ये है दिल्ली दर्पण। ये परेशानी जुलाई महीने से पहला बारिश से ही शुरू है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूं आपके साथ सुशील कुमार। आज जो रानीखेड़ा में चक्का जाम है, जो हमारे सहयोगी पुनीत गुप्ता ने आपको वहां की एक एक कवरेज दिखाई, आज वो चक्के जाम का मेन मुख्य कारण क्या है, आज वहां से हमें यहां पे लोग बार ले के आए हैं और यहां पे जानने आए हैं कि आज चक्का जाम का जो मुख्य कारण है वो है क्या। आप देख सकते हैं कि ये पीछे मेरे पीछे कितना ज़्यादा जल भराव है। उस चक्के जाम का मुख्य कारण ये जल भराव है कि यहाँ पे लोगों को निकलने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है और यहाँ पे लोग एक लॉकडाउन की तरह कैद हो रखे हैं कि अपने घर में ही कैद है। लोग यहाँ से निकल भी नहीं सकते हैं, कोई सामान लेने भी नहीं जा सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पे यहाँ के जो स्थानीय निवासी है वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कब से ऐसी परेशानी बनी हुई है और जो यहाँ के विधायक है या निगम पार्षद है वो इस परेशानी को लेकर कोई काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सर, आप यहाँ पे कब से ऐसी परेशानी बनी हुई है? ये परेशानी जुलाई महीने से पहला बारिश से ही शुरू है। पहला बारिश से ही पानी जल भराव हो गया था। बीच में फिर थोड़ा सूख गया था, उसके बाद फिर जैसे बारिश होता चला गया ये जल भराव ऊपर बढ़ता ही चला गया। अभी 4 इंच पानी कम हुआ है, इससे 4 इंच और ज़्यादा पानी था पहले। घरों के अंदर पानी कर रहा, घरों के सामने हमने क्या कर रखा है, घर को बचाने के लिए हमने 2-2 फुट ऊँचा करना पड़ा दीवार को। आप लोग फिर यहाँ से निकलते विकलते कैसे, काम पे अगर जाना रहता है तो आपको कैसे जाना होता है? जैसे काम होता है तो हम यहाँ से रिक्शा पकड़ते हैं, रिक्शा पकड़ के फिर घर तक पहुँचते हैं। कई बार हम ये जूता मंगाने हैं, जूता पहन के फिर घर तक निकलते हैं। मतलब ऐसी जो परेशानी बनी हुई है तो इसको लेके कभी विधायक आए कि नहीं आए यहाँ पे? कोई विधायक यहाँ आए नहीं, विधायक के पास हम गए थे, हम कई बार उनके पास गए हुए हैं, अपनी समस्या लेके गए हुए हैं। जाने के बावजूद वो कहते हैं, आश्वासन दे देते हैं, हाँ जी हम कर देंगे, हाँ जी हम कर देंगे, हाँ जी हम कर देंगे। दशहरे के टाइम पे बोला था कि इसमें रिबन काटेंगे, इसमें सीवर लाइन पड़ेगा, बाकी सारे काम आपका काम हो जाएगा। अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी तक कुछ नहीं हुआ। हमारे साथ यहाँ पे महिला भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे। आप लोग ये जो बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं तो आप लोग कैसे जाते हैं, बताओ जाएंगे कैसे? 1 तारीख से स्कूल खोल दिए केजरीवाल जी ने, छोटे छोटे बच्चों के कैसे स्कूल जाएंगे? अब जाने का रास्ता है, ये बीमारी का घर है, नरक में हम रह रहे हैं। मेरे घर के पीछे 3 साल से पानी भरा है, ये डीडीए की जमीन में पीछे से मकान सारा बैठ रहा है। 3 साल हुए मकान बने, 3 साल से पानी भरा है, कितना नींव में पानी जाएगा? 5 महीने हो गए इस गंदगी में रहते हुए, हमें सांप इसमें घूमते हैं, बच्चे कैसे जाएंगे स्कूल, नरक में रहना पड़ रहा है। आप लोग सामान वामान लेने भी कैसे जाते हो कि सामान, मतलब जैसे आप लोग काम पे भी वगैरह में जाते हो, कैसे जाते हो? जेल में कैद होता है ना, हम ऐसे कैद हो चुके हैं। अगर घर में कोई इमरजेंसी है, मेरी मदर की तबीयत खराब थी, इमरजेंसी थी, एम्बुलेंस तक नहीं आई, उन्हें किसी तरह यहाँ तक लाया गया राजीव चौक तक, तब एम्बुलेंस यहाँ से लेके गई है। किसी चीज का भी यहाँ पे कोई वो नहीं है, ना MCD सुनती है, ना जेंदर, ना लाकड़ा, कोई नहीं सुनता है। डी ब्लॉक इतना कल कब से ऐसी परेशानी यहाँ पे बनी हुई है? 3 साल से बनी हुई है, हर साल हर रोना रोते हैं, कोई सुनने वाला है नहीं। बस वोट के लिए आ जाएंगे, डंडा फहरा देंगे, उसमें सूखा रहेगा। अब तो गीला पानी, अब तो वहाँ भी दर्शन भी करने नहीं आते, कोई भी आ जाए हैं, अपना प्रतिनिधि भेज दे। सड़क बनाई, आधी अधूरी सड़क बनाई, आधे कॉलोनी में सड़क बनाई, आधे में नहीं बनाई। 10 गलियाँ खाली हैं, 2 गली बना दी, हो गया पूरा उनका। अब इधर जाइए, मैं आज 2 महीने बाद निकल रहा हूँ घर से, सिर्फ ये मेरे को पता चला कि राजीव चौक के ऊपर जाम लगा। आपको लगता है कि अगर दिल्ली में रहते इस पानी में नहीं, ये तो दिल्ली है ही नहीं, बिहार से बेकार है। ये छोटे छोटे बच्चे घर में कैद रहते हैं, स्कूल भी कोई नहीं जाते हैं, पानी में कैसे जाएंगे अब स्कूल? छोटे छोटे बच्चे पानी में, इतना सांप निकलता है, कीड़े निकलते हैं, कैसे नहीं जाएंगे बच्चे स्कूल? कोई नहीं जाते हैं स्कूल, सब बंद हो गया है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं यहाँ पे, हम उनसे भी बात करेंगे कि आपको थोड़ा लगता है कि आप दिल्ली में रहते हो? जी हाँ, बिल्कुल दिल्ली में रहते हैं, लेकिन जो जगह है वो जगह रहने लायक नहीं है बिल्कुल भी। और यहाँ पे पानी के वजह से जो समस्या है वो इतनी विकराल है कि लोग यहाँ पे जो रह रहे हैं अब कितने दिनों तक यहाँ पे रह पाएंगे? आपको पता ही है, दूसरी कॉलोनियों में पानी की वजह से मकान गिर रहे हैं, यहाँ पे पानी इतना ज़्यादा भरा हुआ है, घर के अंदर रह रहा है पानी और बाहर दीवारें सारी नींव सारी ख़राब हो रही है, कभी भी दीवार टूट के गिर सकती है। जो छोटे बच्चे हैं, लोग हैं, वो रास्ते में जाते वक्त गड्ढों में गिर जाते हैं, चोट लगती है और
यहाँ पे पानी की निकासी की समस्या है, पानी के नाले साफ नहीं है। नाले अगर साफ होते भी हैं तो जो गंदगी है वो बाहर ही पड़ी रहती है, वहाँ से कोई उठा के नहीं लेके जाता। जितने डिपार्टमेंट है सबसे हमने बात कर ली, सबको हमने चिट्ठी लिख दी, उनसे फ़ोन पे बात की, कितनी बार साथ में लोगों के साथ चले गए हैं हम, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई भी हमारी बात सुनी नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं हर तरीके से, और आप लोगों से भी निवेदन है जहाँ जहाँ आप ये प्रसार कर सकें प्रसार करके आप इसको सभी डिपार्टमेंट सरकार तक पहुँचाइए हमारी आवाज़, और हमारी इस समस्या से हमें निजात दिलाइए। चुनाव के वक्त केजरीवाल सरकार ने नए नए वादे किए थे, तो आपको क्या लगता है उनमें से कई वादे पूरे हुए कि नहीं हुए? आप यहाँ पे काम कर रही है तो सेंटर भी तो है ना, वो भी सरकार है, मोदी भी तो सरकार है। हम तो मोदी से कह रहे हैं केजरीवाल को छोड़ो, आप यहाँ पे कोई काम नहीं कर, चाहे मोदी हो चाहे लेके आप केजरीवाल बोलो। नहीं तो स्टेट में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, स्टेट में है मगर ऑल ओवर इंडिया में कौन है, केंद्र में कौन, सेंटर में कौन है? बीजेपी। बीजेपी अगर वो नहीं सुन रही, एमएलए नहीं सुन रहा, तो बीजेपी तो समझ सकती है, हम सबको लेटर भेज सब कुछ कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट भी कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? अभी देखिए कैसे जा रहे हैं सब लोग, बच्चे कैसे जा रहे हैं। अभी आपको बताया गया कि यहाँ के हर मतलब ये हम दिल्ली में नहीं रह रहे, हमें ऐसा लगता है हम कहीं फंस गए हैं, और सबको यहाँ पर मकान बेच बेच के सबको जाना पड़ेगा। घर के अंदर पानी घुस चुका है, हालत ये है कि स्कूल खुल चुके हैं, एम्बुलेंस नहीं आता है, ओला वाले को बुलाओ वो यहाँ तक आता नहीं है, आपको हमें यहाँ तक आना पड़ता, राजीव चौक तक आना पड़ता है। बहुत दिक्कत बद से बदतर हो चुकी है, अगर कुछ समाधान निकाल सकते हैं तो निकालिए, आप जिसका प्रसारण जहाँ तक कर सकते हैं आप कीजिए, ये हमें आपसे निवेदन है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, मतलब इस जो ये एक तो जिल्लत भरी ज़िंदगी सी लगती है आपको? बस जिल्लत ही है, हम तो ये चाह रहे हैं जब इलेक्शन होता है तो वो घर घर घूमते हैं कि ये करेंगे ऐसा करेंगे तुम्हारी सुनवाई करेंगे सब कुछ करेंगे। आज 2 साल हो गए आपको जागने नहीं आ रहा, हालत ऐसी है घरों की, अगर ये सही टाइम पर नहीं सुधार गया ना तो ये घर गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। और लोग कुछ दिनों बाद MCD भी चुनाव है, तो उसमें क्या मतलब आप क्या नतीजा देना चाहेंगे? नतीजा दिख रहा है ना, इससे पहले कौन आ गया, बाहर भी रोड जाम हुआ है, मुंडका भी रोड जाम करा गया है, क्या दिख रहा है आपको? अभी देखो ना हालत कैसी है यहाँ की, घरों में पानी मर रहा है, ये गिरेंगे और हादसे हो जाएंगे बहुत यहाँ पे, सरकार तब भी जगेगी। बस वोट मांगने आते हैं लोगों को, वोट मांगने निकल जाओ, काम खत्म इनका। देखा कि आपने, हमने यहाँ पे लोगों से बात की और कितना ज़्यादा जल भराव भी है यहाँ पे, लोग वाह काफ़ी ज़्यादा परेशानी में रहने के लिए भी मजबूर है, बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, जहाँ एक तरफ डेंगू और मलेरिया की बीमारी चल रही है वहीं पे जल भराव को लेके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि इस परेशानियों का समाधान कब तक होगा और कब जाके ये इस परेशानी से इन लोगों को इजात मिलेगी और इस परेशानी को ख़त्म करने के लिए यहाँ के जो विधायक हैं या निगम पार्षद हैं वो यहाँ पे आते हैं कि नहीं आते हैं। लगातार धरना प्रदर्शन जारी भी रहेगा यहाँ पे। मेरे सहयोगी पुनीत गुप्ता के संग मैं सुशील कुमार। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर